हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान सर की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या स्टारकास्ट रहेगी, कौन से डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, कब रिलीज होगी, कब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी, क्या बजट होगा और ये फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितने करोड़ का बिजनेस करेगी, ये सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप भी अगर सलमान खान सर के ट्रू फैन हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक पूरा देखना। और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी सलमान खान सर कोई भी अब उनकी आने वाली फिल्म की अनाउंसमेंट कर देते हैं तो वो फिल्म का बस और भी हाई हो जाता है। दोस्तों, कभी ईद कभी दिवाली फिल्म को डायरेक्शन करने वाले हैं फराज साम जी ने अक्षय कुमार सर की फिल्म हाउसफुल 4 फिल्म को भी डायरेक्शन दिया था। दोस्तों, इस फिल्म की स्टारकास्ट में लीड रोल में हमें पूजा हेगड़े सलमान खान के ऑपोजिट फर्स्ट टाइम रोमांस करती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, पूजा हेगड़े बॉलीवुड की इससे पहले हाउसफुल 4 और ऋतिक रोशन की मोहन जोदारो फिल्मों में नजर आ चुकी है और दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे में भी दिखाई दी थी, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है। वैसे तो दोस्तों, सलमान खान अपने फैंस के लिए बैक टू बैक कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं, जिनमें से राधे और मोस्ट वांटेड भाई है, जिस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट डन हो गई है और वो फिल्म दोस्तों दिवाली के मौके पर थिएटर पर रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और उस फिल्म के अंदर हमें सलमान खान के ऑपोजिट दिशा पटानी, रणदीप हुड्डा, जैकी श्रॉफ देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, राधे फिल्म को डायरेक्शन दिया है प्रभु देवा ने, जिन्होंने वांटेड फिल्म को डायरेक्शन दिया था, दबंग 3 फिल्म को भी डायरेक्शन दिया था, उस फिल्म का बस बहुत ही हाई है। उसके अलावा दोस्तों, सलमान खान कभी ईद कभी दिवाली फिल्म करेंगे और उसके बाद जो फिल्म करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है किक 2। जी हाँ दोस्तों, किक 2 फिल्म की शूटिंग कभी ईद कभी दिवाली फिल्म के बाद करेंगे। किक 2 फिल्म के अंदर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिए साजिद नडियादवाला ने, जो कि जैकलिन फर्नांडिस के बर्थडे पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी किक 2 की, और बताया था कि किक 2 में हमें सलमान खान के ऑपोजिट जैकलिन फर्नांडिस ही देखने को मिलेगी, वो भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहेगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कभी ईद कभी दिवाली फिल्म की। ये फिल्म की शूटिंग 2021 में स्टार्ट होगी और इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं फराज सामजी और प्रोड्यूस कर रहे हैं साजिद नडियादवाला। दोस्तों, स्टार कास्ट की बात करें तो सलमान खान और पूजा हेगड़े इस फिल्म में अहम रोल करते नजर आएंगे। इस फिल्म के अंदर सलमान खान डबल रोल करते नजर आएंगे, एक हिंदू का होगा और एक मुस्लिम का होगा। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हमें जबरदस्त एक्शन, इमोशन, लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द स्टार्ट होगी, यानी कि जनवरी 2021 में स्टार्ट होगी। जिस तरह से राधे फिल्म रिलीज हो जाती है उसके बाद तुरंत ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो जाएगी शूटिंग की। दोस्तों, बजट की बात करूं तो इस फिल्म को 150 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनाया जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सलमान खान है, जो कि एक ब्रांड है, वो जिस फिल्म में होते हैं उस फिल्म का बजट हाई लेवल का होता है। और क्यों ना हो, क्योंकि सलमान खान बॉलीवुड के नंबर 1 स्टार है। दोस्तों, उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में नहीं करोड़ों में है होती है। कभी कभी दिवाली के बाद दोस्तों किक 2 की शूटिंग होगी, उस फिल्म के रिलीज के बाद दोस्तों टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और उस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं मनीष शर्मा और उस फिल्म के अंदर सलमान खान के ऑपोजिट हमें कैटरीना कैफ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप सलमान खान की कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर बताना। और ऐसी सलमान खान सर की आने वाली फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना।